आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आम जन में भरोसा है। और भरोसा यह है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उस भरोसे ने राजस्थान के अंदर जो ऐसे क्षेत्र थे तो कई बार से भाजपा नहीं जीत रही थी, वहां की जनता ने भी बदलाव लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया है। उनको ये भी भरोसा है कि 11 महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, और काम वो काम किए हैं जो वर्षों से अटके हुए थे, उनके रास्ते साफ हुए हैं। तो राजस्थान की जनता को ये भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, प्रदेश का विकास कर सकती है। और हमारी योजना जो 11 महीने में हमारी सरकार का बजट, क्योंकि हमने 200 विधानसभा के अंदर बजट दिया है, पहले यहां देखते थे कि पहले की जो सरकार थी वो ये देखती थी कि मेरा विधायक कौन है, किसको बजट देना है। हमने जहां आवश्यकता थी, जहां ऐसा लग रहा था कि इस विधानसभा में आवश्यक है, हमने बजट में वो काम करके दिया। क्योंकि हम कहते हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर, ये 4 जातियां हैं, और इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और उस कृत संकल्प के साथ 11 महीने में जो हमने काम किए हैं, निश्चित रूप से जनता ने उन पर मोहर लगाई है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उन्होंने अपना भरोसा जताया है। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिन रात मेहनत की, और मैं उन सभी मतदाताओं को जिन्होंने रिकॉर्ड मत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जताया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप ये जो सीटें, जो 5 सीटों की संख्या हुई है, क्या आपको नहीं लगता है कि दौसा की जो कम मार्जिन से सीट हारी है वो उनकी संख्या 6 हो सकती थी? माइक्रो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने शानदार प्रदर्शन किया, जिस तरीके से आपने जो एक कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ काम किया है। निश्चित रूप से हमने 84 में भी, आपने देखा होगा कि एक तरफ 70,000 की जीत को 22-23,000 पर लाने का काम किया है। हमारा हर जगह वोट बढ़ा है, चाहे वो खीपसर हो, झुंझुनू हो, दौसा हो, देवली उनियारा हो, रामगढ़ हो, वहाँ सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल, इन जैसे नाम जो है पूरी तरीके से चुनाव में खत्म से हो गए हैं, जो है प्रभारी भी कह चुके हैं, दिग्गजों को जो किला है वो ढा दिया है। देखो ये जनता है, और जनता से कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहती है। जनता जो फैसला करती है वो सर्वमान्य फैसला करती है। जनता को विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और उन्होंने वो करके दिखाया।
सर 3 दिसंबर की तारीख आपको याद होगी, 3 दिसंबर 2023 जब आप पहली बार विधायक बने थे, 15 दिसंबर को सीएम पद में शपथ ली थी, तब से लेकर इस उपचुनाव में जीत तक खुद भजनलाल शर्मा जी अपने आप में किस तरह का बदलाव या आगे मतलब चेंजेस देख रहे हैं लगातार, और क्या अगले 4 साल तक देखिए इन सारी बातों का जवाब मैंने उस दिन भी कहा था, एक एक बात की जनता की नज़र होती है और जनता वोट की चोट से उसका जवाब देती है। मैं एक संगठन का कार्यकर्ता था, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 15 दिसंबर से आज तक जितना भी मेरे अंदर सामर्थ्य और जितना मैं कर सकता हूँ राजस्थान की जनता के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ। और मैंने जो पहले कहा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और ये ही मैंने राजस्थान की जनता से कहा है कि जो संकल्प पत्र में एक एक वायदा किया है उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेंगे, युवाओं के सपनों को पूरा करेंगे, किसानों के सपने को पूरा करेंगे, महिलाओं के सपने को पूरा करेंगे और हमारे राजस्थान के उन गरीब लोगों के सपने को पूरा करेंगे, और आने वाले समय में एक उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, एक विकसित राजस्थान बनेगा, हमारे मन में जो कल्पना है उसको करके बताएंगे। इतना मैं कहता हूँ, नहीं ये कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास था, इसलिए कहा हमने अच्छी सीट जीतेंगे और जीते। एक सर आपने जो शुरुआत अपराध परिणाम के लिए और पेपर लीक रूप में, आपको क्या लगता है इस चुनाव में उसने ज्यादा असर दिलाया, खासतौर पर युवाओं के अंदर जो जिस तरीके की विधानसभा चुनाव में? देखिए आपके आप एक दो प्रश्न के बारे में कह रहे हैं, मैं आपसे कहा है मैंने जनता की नज़र एक एक बात पर होती है, जनता की नज़र एक एक शब्द पर होती है, जनता जानती है कि किसके मन में करने की है किसके में नहीं करने की है, इसलिए उन सारी बातों का जवाब एक ही होता है। ये राइजिंग राजस्थान मील का पत्थर साबित होने वाला है आने वाले समय में, 9-10-11 को राइजिंग राजस्थान है, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए हैं निश्चित रूप से पूरे होंगे।